तराश करके देखा है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राफेल डील एक ऐसा सौदा है जिसने भारत ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की लड़ाई क्षमता को बढ़ाने और चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। राफेल डील का आरंभ वर्ष 2007 में हुआ जब भारत ने 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक बोली निकाली। इस बोली में डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों शामिल थे। वर्ष 2012 में डसॉल्ट राफेल को सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुना गया, लेकिन इस डील को पूरा करने के लिए कई बाधाएं आईं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे के दौरान एक नई डील की घोषणा की जिसमें 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सरकारों के बीच एक समझौता हुआ। इस डील के तहत भारत को 59,000 करोड़ रुपए की लागत में 36 राफेल विमान मिलेंगे, जिसमें से 18 विमान तैयार होकर आएंगे और करीब 18 विमानों का निर्माण भारत में होगा। इस डील के अनुसार डसॉल्ट एविएशन को भारत में एक ऑफसेट पार्टनर चुनना था, जिसके लिए वो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को चुना। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए लगातार आरोप लगाया कि इस डील में भ्रष्टाचार, घोटाला और अनियमितता हुई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने राफेल विमानों की कीमत में अनुचित बढ़ोतरी की है। रिलायंस डिफेंस को बिना अनुभव के ऑफसेट पार्टनर बनाया गया है और इस डील को गुप्त और अवैध तरीके से किया गया है। कांग्रेस ने इस डील की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति JPC की मांग की है, जो मोदी सरकार ने ठुकरा दिया है। मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राफेल डील पूरी तरह से साफ और व्यावसायिक आधार पर की गई है। सरकार का कहना है कि राफेल विमानों की कीमत UPA सरकार के समय से कम है। रिलायंस डिफेंस का चयन डसॉल्ट एविएशन ने खुद किया है, इसमें कोई समझौता नहीं हुआ है और इस डील को सरकारों के बीच एक समझौते के अनुसार किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि इस डील को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है और कोई जांच की जरूरत नहीं है। राफेल डील का इतिहास वर्ष 2001 में शुरू हुआ जब भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना का नाम मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA था, जिसके तहत भारत ने 126 लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना बनाई। इस परियोजना के लिए वर्ष 2007 में एक बोली निकाली गई जिसमें से 6 विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया। ये कंपनियां थी डसॉल्ट राफेल फ्रांस, EADA, यूरोफाइटर टाइफून यूरोपीय संघ, लॉकहीड मार्टिन F-16 अमेरिका, बोइंग FA-18 अमेरिका, MiG-35 रूस और साब ग्रिपेन स्वीडन। वर्ष 2011 में भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को विभिन्न परीक्षणों के में शामिल किया और उनकी तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन किया। इसके बाद वर्ष 2012 में डसॉल्ट राफेल और EADS यूरोफाइटर टाइफून को अंतिम चरण में शामिल किया गया। इन दोनों में डसॉल्ट राफेल को सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुना गया और इसे MMRCA के लिए विजेता घोषित किया गया। इसके बाद भारत और फ्रांस के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें विमानों की कीमत, ऑफसेट अनुबंध, लड़ाई की तैयारी, गुप्त जानकारी और अन्य शर्तें शामिल हुई। इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आईं, जैसे कि डसॉल्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के बीच विमानों के निर्माण की जिम्मेदारी का बंटवारा, विमानों की कीमतों में असहमति, ऑफसेट अनुबंध के लिए भारतीय उपकरण निर्माताओं का चयन, विमानों की गुणवत्ता और लाभांश की जांच आदि। इन बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका।
वर्ष 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद राफेल डील फिर से समीक्षा किया गया और भारतीय वायुसेना ने अपनी आवश्यकताओं को पुनर्निर्धारित किया। वायुसेना ने बताया कि उन्हें तुरंत 36 विमानों की ज़रूरत है जो फ्रांस से सीधे खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना ने यह भी कहा कि वो अन्य 90 विमानों को भारत में निर्मित करने की योजना को छोड़ने को तैयार है अगर उन्हें फ्रांस से तैयार विमान मिल जाएं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की और वहाँ उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए एक सहमति जारी की जिसमें कहा गया कि ये विमान फ्रांस से सीधे आयात किए जाएंगे और इसमें भारत के लिए अनुकूलित होंगे। इस सहमति के अनुसार इन विमानों की कीमत यूपीए सरकार के समय से कम होगी। इस सहमति के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक अंतिम अनुबंध पर काम किया गया जिसमें विमानों की कीमत ऑफसेट अनुबंध, गुप्त जानकारी, विमानों की डिलीवरी और अन्य शर्तें निर्धारित की गई। वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील का अंतिम अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ जिसके तहत भारत ने 36 राफेल विमानों को 7.87 अरब यूरो लगभग 59,000 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा। इस अनुबंध के तहत भारत को विमानों के साथ 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट AISE 75% लाभांश, 5 साल की प्रारंभिक रखरखाव सेवा, 10 साल की प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, विमानों के लिए 36 महीने की वारंटी, विमानों के लिए एक परिवहन विमान, 2 फ्लाइट सिमुलेटर और अन्य लाभ मिलेंगे। इस अनुबंध के बाद राफेल डील को लेकर देश में बहुत विवाद हुए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इसने विमानों की कीमत में बढ़ोतरी की, ऑफसेट अनुबंध में अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया, विमानों की तैयारी और गुप्त जानकारी को लेकर अस्पष्टता बनाई और राफेल डील की जांच के लिए JCP की मांग को नकारा। मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि राफेल डील देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, विमानों की कीमत यूपीए सरकार के समय से कम है, ऑफसेट अनुबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, विमानों की तैयारी और गुप्त जानकारी को लेकर कोई संदेह नहीं है और राफेल डील की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच करने से इनकार करते हुए सरकार को क्लीन चिट दी। कोर्ट ने कहा कि विमानों की कीमत ऑफसेट अनुबंध और विमानों की तैयारी को लेकर कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल डील में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती दी और कहा कि सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया है। कांग्रेस ने फिर से राफेल डील की जांच के लिए JPC की मांग दोहराई। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई की और राफेल डील की जांच के लिए अपने पहले फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि राफेल डील में कोर्ट दोषी नहीं है और सरकार ने कोर्ट को गुमराह नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल डील की जांच के लिए JPC की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने इस फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि वो राफेल डील को लेकर जनता के सामने सच लाने का प्रयास जारी रखेगी। वर्ष 2021 में फ्रांस के एक पत्रकार ने राफेल डील को लेकर एक नया खुलासा किया। उसने दावा किया कि राफेल डील में बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। उसने ये भी कहा कि इसकी जानकारी CBI और ED को भी थी लेकिन उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने फिर से राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया और राफेल डील की जांच के लिए JPC की मांग की। मोदी सरकार ने इस खुलासे को बेबुनियाद और असत्य बताया और कहा कि राफेल डील में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इस प्रकार राफेल डील का इतिहास बहुत ही जटिल और विवादास्पद है।
इस डील को लेकर दोनों पक्षों के बीच तर्क वितर्क अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना को राफेल विमानों की ज़रूरत है क्योंकि इससे उसकी लड़ाई की क्षमता बढ़ेगी और वो चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी हवाई सीमा की रक्षा कर सकेगा। राफेल विमान एक बहुभूमिका विमान है जो वायु 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 थल और वायु समुद्री युद्ध में कारगर है। इस विमान में उन्नत राडार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इंजन, आग्नेयास्त्र और अन्य उपकरण लगे हैं जो इसे एक शक्तिशाली और लचीला विमान बनाते हैं। भारत ने अब तक 36 राफेल विमानों का आदेश दिया है जिनमें से 23 विमान भारत में पहुंच चुके हैं। इन विमानों को वायुसेना स्क्वाड्रन में बांटा गया है जो अंबाला और हाशिमारा में स्थित हैं। इन विमानों को भारत के पश्चिम और पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है जहां चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा है। राफेल विमानों ने पहली बार वायुसेना की स्वर्णिम जयंती परेड में भाग लिया जो 8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हुआ था। इन विमानों ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी थी। राफेल डील का इतिहास बहुत ही जटिला और विवादास्पद है लेकिन इस डील से भारत को एक आधुनिक और उन्नत वायुसेना मिलेगी जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राफेल विमान भारत के वायुसेना को एक नया आत्मविश्वास और गौरव देगा जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बनाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एयर न्यूज़ को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए विदा, नमस्कार।